कैसे लगी एक्टिंग? अच्छी थी ना? मुझे पता है। तो अभी उठते, ये खुलिया ठीक करते, फिर बात करते। सही है, सही है। तो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, तलमन जी पहर वाले एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आफ्टर गेटिंग अलॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम यू गाइस दैट व्हाई यू नॉट अपलोडिंग अ ब्लॉग, एंड सही है कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे, किधर आ गए वो? तो मैं थोड़ा बिजी था, रमज़ान का महीना था, तो बहुत लेजी हो चुका हूँ। सुबह उठता हूँ, फिर सोता हूँ, फिर उठता हूँ, फिर सोता हूँ, मतलब स्लीपिंग साइकिल ना मुकम्मल डिस्ट्रॉय हो चुका है। और भी कुछ मसले मसाइल थे, बाग में बिजी था तो इसलिए ब्लॉग नहीं आ रहा था। और वैसे भी मैं कैसा, मतलब कौन सा ब्लॉग बनाऊँ, कैसा ब्लॉग बनाऊँ, कुछ है नहीं बनाने को। तो आज रैंडम देने, पता नहीं कैसा गुजरेगा। अभी तो उठा हूँ तो सही है, और कुछ है नहीं बताने को। और मेरी मतलब मेरा कोई बेगम नहीं है जिसके साथ मैं किचन में ब्लॉग करूँ, इफ्तारी बनाऊँ, सेहरी बनाऊँ। सही है। साथ मुझे देख रहा है साथ, हेलो। तो मेरा कोई बेगम नहीं है जिसके साथ मैं इफ्तारी और सेहरी बनाऊँ किचन में। सही है। और पेरेंट भी ऐसे हैं जिसके साथ मैं वीडियो नहीं बना सकता घर वालों के साथ। तो दिस इज़ रैंडम व्लॉग, पता नहीं आज के दिन में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो देखते रहिए। सही है। हेलो 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 का साथ साथ सीखे सीखे हेलो का हेलो 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 साथ साथ ने मेरा पूरा बेड खराब कर दिया। सही है। हेलो के हेलो का साहब हेलो का हेलो का हेलो 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 का हेलो। आई थिंक साथ पहली दफा वीडियो में आ रहा है, तो साथ के लिए 50 लाइक। सही है ना साथ, 50 लाइक फॉर यू। तो 50 लाइक जस्ट फॉर साथ, साथ के लिए 50 लाइक चाहिए। सही है ना, फिर नेक्स्ट व्लॉग में भी आएगा। सही है। तो भाई तकरीबन एक ट्रांजिशन में 2 दिन लगे मेरे को, इतना लेज़ी हुआ हूँ रमज़ान की वजह से, सारा दिन सोता रहता हूँ। खैर, तो हम ऐसे करते हैं आपको कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें बता दें, क्योंकि रमज़ान है, सब ऐसे सो रहे होते और घर में होते, तो कुछ ना कुछ ज़रूरी है। सही। तो 7 चीज़ें जो आप रमज़ान में कर सकते हैं, सबसे पहले वो है कि भाई सुबह सुबह नहा लिया करो भैया। सही है, गंदे लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, सुबह नहा लिया करो, ये पहली चीज़। सही है, आपका दिन अच्छा गुजरेगा। मज़ाक कर रहा हूँ। खैर, आप नहा लिया करें तो दिन आपका अच्छा गुजरेगा, रोज़ा नहीं लगेगा आपको।
तो शुरू करते हैं। जो मैं बताना चाहता हूँ वो सही है। सेवन थिंग दैट यू कैन डू इन रमजान। सो द फर्स्ट थिंग जो आप कर सकते हैं, ट्राई टू लर्न न्यू लैंग्वेज, मतलब नई लैंग्वेज सीखना शुरू करो। मैंने करी है, इंग्लिश में काम चालू है मेरा, उर्दू में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो मतलब इससे आपका मेंटेलिटी एक्सपेंड होगा, आपका मतलब जो नए नए दोस्त आप बना सकते हैं, बड़े फायदे हैं इसके भैया। तो उर्दू सीख ले, इंग्लिश सीख ले, फ्रेंच सीख ले, मतलब कोई भी ज़ुबान आप सीख ले, सही है। तो वैसे भी आप लोग सब फ्री हैं, शुक्र करो इंटरनेट बंद नहीं होगा। यूट्यूब पे जाएं और सर्च करें, सही है, जो आपको चाहिए, ग्रामर चाहिए, लेक्चर चाहिए, जो भी आपको चाहिए, तो यू कैन डू दिस, सही है। तो अभी जाओ, तुरंत अभी के अभी जाओ और सर्च करो जो लैंग्वेज आपने सीखनी है, महल कितना, सही है। तो सेकंड नंबर पे जो है वो है न्यू स्किल। वो कुछ भी हो सकता है, वो बिजनेस भी हो सकता है, वो मार्केटिंग भी हो सकती है, वो एडिटिंग भी हो सकती है, वो जॉब भी हो सकता है, वो राइटिंग भी हो सकता है, मतलब जो आपका पैशन है ना या जो आपका हॉबी है वो हो सकता है। तो आप जाइए यूट्यूब पे सर्च करें, सही है, और न्यू स्किल सीखें। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, मतलब इस डिजिटल ज़माने में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सिर्फ आपने थोड़ा सा मेहनत करनी है भैया, सही है। तो सेकंड नंबर पे आप न्यू स्किल सीखे, चाहे वो कुछ भी हो। मैं सीख रहा हूँ एडिटिंग, अपना जिंदगी प्रोडक्टिव बनाए, सही है। ये हो गई दूसरी नंबर पे जो चीज़ थी। अब आते हैं थर्ड नंबर पे, वो होती है कुकिंग। आप कुकिंग सीख ले, रमज़ान है तो अपने किचन में जाए, अपने बहन के साथ, अपनी अम्मी के साथ हेल्प करे, उनसे सीखे और ख़ुद ट्राई करे, तो आपका काम आ सकता है भैया। वैसे भी लॉकडाउन है, रमज़ान है, सब फ्री है, सही है। तो नई चीज़ सीख ले, अच्छा लगता है, मतलब सही है ना, आपका काम भी आएगा और अच्छे अच्छे खाने बनाओ, घर वालों को खिलाओ और खुश रहो, और क्या चाहिए ये बताओ। फोर नंबर पे जो होता है हमारे साथ तो है वर्कआउट। रमज़ान है, हर किसी का पेट इतना इतना बढ़ चुका होता है, मतलब रमज़ान के अलावा लोग खाते हैं ना तो पेट वेट बढ़ जाते हैं। तो रमज़ान है, फुल अच्छा वर्कआउट किया करें सुबह उठने के बाद। तो ये हो गई फोर नंबर, सही है। वर्कआउट, मेडिटेशन, योगा, जो भी आप बोले, मैं तो करता हूँ कभी कभी। इससे आपका वजूद, बॉडी चुस्त एक्टिव रहेगा और दिन भी अच्छा गुजरेगा। तो और क्या चाहिए भैया, सही है। तो वर्कआउट किया करें, वैसे भी आप लोग प्रिय है, सही है, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं मेरी तरह, सारा दिन सोते रहते हैं। तो फाइव नंबर पे जो चीज़ है हमारे साथ, जो हमने अपने नोटबुक में लिखी थी, वो है रीडिंग न्यू बुक्स, मतलब न्यू बुक्स पढ़ लिया करें, सही है। इफ़ यू आर नॉन मुस्लिम, मतलब हिंदू हो, जो भी आप हो, तो आप बुक रीड किया करें। इफ़ यू आर मुस्लिम तो द होली कुरान इज़ द बेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, तो वो आप रीड किया करें, रिसाइट किया करें, तिलावत किया करें इस रमज़ान में, और मुझे अपनी दुआओं में याद किया करें, सही है। अगर आपको बुक चाहिए रिकमेंड के लिए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, नीचे कमेंट में बता दें। फर्स्ट नंबर पे जो आता है ना वो होता है द सीक्रेट, मेरा फेवरेट बुक है वो, आप रीडिंग चालू कर दे दी सीक्रेट। बाकी भी मैं बताऊंगा, अगर आपको चाहिए तो मुझे बता दे। लेकिन आपके पास वक्त है तो थोड़ा थोड़ा मतलब बिल्डअप करें, पहले एक दिन एक पैराग्राफ, फिर दो पैराग्राफ, फिर तीन पैराग्राफ, फिर आपको आदत हो जाएगी। तो रीडिंग बुक ये अपना हॉबी बना ले, अपना एडिक्शन बना ले, आपका बहुत हेल्प करेगा आगे ज़िंदगी में, सही है। ये हो गई फाइव नंबर आई थिंक। तो सिक्स नंबर पे हमारे साथ है डेकोरेट योर रूम, डस्टिंग योर रूम, मतलब अपने कमरे को साफ करना, अपने कमरे को चूना लगाना, सही है, दीवारों को। तो ये बहुत अच्छा काम है, मतलब आपका दिल और जहन जो है ना वो साफ रहेगा। मैं कहता हूँ ना, मुझे बहुत मज़ा आता है अपना रूम खुद साफ करना, चूना खुद लगाना, सही है। ईद आ रही है तो सब अपने घरों में चूना करें खुद, पेंटिंग वेंटिंग वालों को पैसे मत दे, सही है, खुद करें। यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल हैं, आपने अगर 3D भी करनी है ना
तो भी मिल जाएगा आपको। तो 6 नंबर पे डेकोरेट योर रूम, डेकोरेट योर वॉल, ये सारी चीज़। हाँ, और लास्ट नंबर पे जो है ना वो बड़े काम की चीज़ है, वो है स्क्रॉल डाउन। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे सिर्फ बस आप जाते रहते हो। क्या है, बंद करो ये सारी चीज़ें फेसबुक पे, सही है? कभी कोई मर रहा होता है, कोई भी मतलब फेसबुक तो यूज़ ना करें यार, फेसबुक और टिकटॉक ये दोनों यूज़ ना करें तो बेहतर है। उधर बंदा मर रहा होता है, इधर ये प्री फेसबुक यूज़ करने वाले ना नीचे कमेंट कर रहे होते हैं, नाइस, माशाल्लाह, प्लाना, डिमकाना, पता नहीं। तो ये चीज़ ना करें, यूज़ कर रहे हो तो यूट्यूब यूज़ करो ताकि कुछ तो पैदा हो आपको, सही है? ये फजूल चीज़ें ना किया करें, सही है? आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। रमज़ान है, फिर ईद पे मिलेंगे। सल्लू भाई का भी फिल्म आ रहा है, मेरा भी आएगा। थैंक यू, सी यू सून। Shadow.